पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात, आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। गुजरात के सभी 182 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और नेता रहेंगे मौजूद, मन की बात के साथ लेंगे चाय की छुट्टी। गुजरात के 50,128 बूथों पर बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद, सुनेंगे मन की बात। राहुल के ट्वीट को पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया हल्का मजाक, कहा आतंकवाद पर मोदी सरकार का रुख एकदम साफ है। हाफिज पर राहुल के ट्वीट का बीजेपी ने दिया जवाब, कांग्रेस पर पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की तरह काम करने का आरोप लगाया। राहुल पर बीजेपी के आरोप की कांग्रेस ने निंदा की है, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने हाफिज को लेकर साधा था पीएम मोदी पर निशाना। आतंकी हाफिज सईद की रिहाई पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था, ट्विटर पर लिखा था आतंक का मास्टरमाइंड आजाद हो गया। राहुल ने लिखा था ट्रंप ने आतंकी फंडिंग मामले में पाक सेना को क्लीन चिट दी, गले लगाना काम नहीं आया, अब और ज्यादा गले लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हंगामे के बाद हिंसा, सरकार ने सेना को बुलाया। पाकिस्तान में टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक, तहरीक ए तब्बैक के प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प की कवरेज रोकने के लिए लगी पाबंदी। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश दिया था, इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पर भी रोक लगाई गई है। इस्लामाबाद में पिछले 20 दिनों से टीएलपी का प्रदर्शन जारी है, कानून मंत्री के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। कश्मीर पर केंद्र सरकार के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा आज दक्षिण कश्मीर जाएंगे, कई लोगों से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा ने कल कई संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, शांति बहाली के उपायों पर चर्चा की। यूपी में निकाय चुनावों के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। यूपी में 25 जिलों के 6 नगर निगम समेत कुल 189 निकायों में वोट डाले जा रहे हैं, आज शाम 5 बजे तक होगा मतदान। यूपी में निकाय चुनाव के लिए 3 चरणों में डाले जाने हैं वोट, 1 दिसंबर को मतगणना होगी। आज 24,622 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, 1,29,00,000 मतदाता डालेंगे वोट। केरल लव जिहाद मामले में पीड़ित लड़की हदिया ने कहा अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था, पति के पास वापस जाने की इच्छा जताई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हदिया की पेशी होगी, दिल्ली रवाना होने से पहले कोची एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ। हरियाणा में जाट आरक्षण के समर्थन और विरोध में आज 2 रैलियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 11 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, पुलिस की 12 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। हरियाणा के जिन में सांसद राजकुमार सैनी रैली करेंगे, ओबीसी की 35 कम्युनिटी को आरक्षण देने की मांग। जाट आरक्षण को लेकर यशपाल मलिक भी रैली करेंगे, जाट आंदोलन में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के दौरे पर रूस जाएंगे, रूस के गृहमंत्री से करेंगे मुलाकात। राजनाथ सिंह रूस के कई बड़े सीनियर लीडर से मुलाकात करेंगे, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर आपसी हितों को लेकर चर्चा। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले को आज 9 साल पूरे, हमले में शहीद जवानों की याद में आज मुंबई के फोर्ट इलाके में कार्यक्रम का आयोजन। 26/11 के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर और किरण रिजिजू भी शिरकत करेंगे। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में 164 लोग मारे गए थे, 308 लोग घायल हुए थे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम की सभा में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, घाटकोपर इलाके में झुंडी बचाओ कार्यक्रम के लिए सभा बुलाई गई। मुंबई में बीजेपी शिवसेना के नेताओं को जमीन दिए जाने का विरोध, गोरेगांव में एनसीपी ने बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई में फेरी वालों के खिलाफ एवेनस की तोड़फोड़ और बीएमसी की मुहिम से सब्जी के कारोबारी परेशान, 50% तक कारोबार कम हुआ। सेंट्रल रेलवे के मुसाफिरों को आज ओमेगा ब्लॉक की वजह से परेशानी हो सकती है, कल्याण के कसारा के बीच सुबह 8 बजे तक यातायात ठप। आम आदमी पार्टी आज अपना 5वां स्थापना दिवस मना रही है, दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली के बवाना में युवक पर तेल छिड़ककर आग लगाया, करीब 60% तक जला युवक गंभीर हालत में। दिल्ली में नेशनल लॉ डे कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फिल्म पद्मावती के समर्थन में उतरे फिल्म इंडस्ट्री के 20 से ज्यादा संगठन, आज मुंबई में ब्लैकआउट की घोषणा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पद्मावती के खिलाफ बंद के दौरान हिंसा, 2 समुदायों के बीच चले पत्थर, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत। पद्मावती विवाद पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नाखुश, कहा लोकतंत्र में किसी को धमकी देने की इजाजत नहीं। वेंकैया नायडू ने दीपिका और भंसाली को धमकी पर एतराज जताया, कहा शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए नाम का ऐलान गलत। रांची में पद्मावती के खिलाफ क्षत्रिय महासभा का प्रदर्शन, झारखंड में भी फिल्म को बैन करने की मांग। गुरुग्राम के भोंसी में करनी सेना का प्रदर्शन, हरियाणा में फिल्म पद्मावती पर रोक लगाने की मांग। जयपुर में नाहरगढ़ किले की सुरक्षा बढ़ाई गई, सभी रास्तों पर पुलिस बल तैनात, कल किले में फांसी से लटका मिला था व्यक्ति का शव।
मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने के बाद मानुषी छिल्लर भारत लौटी, मुंबई पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने पर शूटर हिना सिंधु ने उठाए सवाल, कहा से शरारती तत्वों को राष्ट्रगान के अपमान का मौका मिला। एमआईएम नेता वारिस पठान ने हिना सिंधु का समर्थन किया, कहा हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं लेकिन थिएटर में नहीं बजना चाहिए। लखीमपुर खीरी में आतंकी हाफिज सईद के समर्थन में नारेबाजी के मामले ने तूल पकड़ा, बीएचपी नेता ने 33 लोगों के खिलाफ शिकायत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कुछ दिनों में यूपी सरकार 4.5 लाख नौकरियां देगी। श्रीलंका के खिलाफ नागपुर टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, पहली पारी में 107 रन की बढ़त। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट खोकर 312 रन बनाए, मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने शतक बनाया। जम्मू कश्मीर के उरी में क्रिकेट खिलाड़ियों से मिले महेंद्र सिंह धोनी, बतौर आर्मी अफसर की मुलाकात। धोनी ने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, फिट रहने के टिप्स दिए। इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट के लड़कियों के साथ बदसलूकी, चेन्नई में मैच के दौरान छेड़छाड़ का वीडियो भी सामने आया।